नोरा फतेही को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और वो सीधे ईशान किशन से आता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को एक श्रृंखला में हराया और उनके प्री गेम प्रदर्शन को द क्विक स्टाइल, एक नॉर्वेजियन डांस क्रू द्वारा तैयार किया गया था। उन्हें बॉलीवुड के गाने पसंद हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने अपनी ट्विकिंग से भारतीय फैंस को मदहोश कर दिया है। उनका मानना कि नोरा फतेही के पास अब उनके सूजन और मरोड़ते चाल के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा है। ईशान किशन की हरकतों ने इंटरनेट यूजर्स को भी खूब हंसाया। पटना में जन्मे क्रिकेटर अपनी हरकतों के लिए जाने जाते हैं। दरअसल भारतीय ड्रेसिंग रूम में काफी टैलेंटेड डांसर हैं। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही अपने ठहाकों और मरोड़ के लिए जानी जाती हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईशान किशन उन्हें जमीन पर दस्तक दे पाएंगे। केएल राहुल बैकग्राउंड में है, भीड़ के मनोरंजन के लिए शांति से खड़े हैं। दूसरों ने सोचा कि अगर हम 2023 में विश्व कप जीत गए तो क्या होगा यदि यह जिम्बाब्वे बनाम जीत का जश्न मनाने का आदर्श था। प्रशंसकों को यह अविश्वसनीय रूप से मनोरंजक लगता है। भारत ने जिम्बाब्वे को खेल में 13 के स्कोर से हराया। भारतीय समर्थक मौजूदा टीम के प्रदर्शन को लेकर बेहद चिंतित हैं। अगले साल वर्ल्ड कप है। भारत के क्रिकेटर्स काफी सुर्खियों में रहे हैं। सबसे पहले ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के बीच रहस्यमय ऑनलाइन बहस हुई। फिर ऐसी अफवाहें थीं कि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी में समस्या आ रही थी, जिसे इस जोड़े ने नकार दिया।